नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे कोकम फल के बारे में। इसके औषधीय गुण क्या हैं, यह कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है, यह हमें कहां मिल सकता है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का औषधीय फल कोकम। कोकम क्या है, व्हाट इज कोकम इन हिंदी? इसका वैज्ञानिक नाम गार्सिनिया इंडिका है। यह गोवा और गुजरात में पाया जाने वाला फल है। इसे बरसों से औषधि और मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सेवन शरीर में ठंडक पहुंचाने के साथ ही तमाम तरह की शारीरिक समस्याओं के लिए फायदेमंद माना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजाने। ऐसा ही एक अनजाना फल है कोकम। कोकम को औषधि फल माना गया है। यह दिखने में सेब जैसा नजर आता है। यहाँ हम आपको कोकम फल के लाभ के साथ उसके नुकसान के बारे में भी जानकारी विस्तार से बताएंगे। कोकम के फायदे। कोकम न सिर्फ सेहतमंद रहने में मदद करता है, बल्कि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने में भी मदद कर सकता है। डायरिया में कोकम फल एंटी डायरिया गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसका सेवन करने से यह डायरिया के उपचार में मदद कर सकता है। ऐसे में हमें कोकम फल के जूस को डायरिया से ग्रसित व्यक्ति को पिलाया जा सकता है। एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में कोकम फल में एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट दोनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह अल्सर में भी प्रभावी है। वहीं कोकम फल को एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल कोकम में एंथोसायनिसिस नामक फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिसमें सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाने में मदद कर सकता है, इसलिए इस फल को सुबह के समय खाया जा सकता है। ट्यूमर से बचाव के लिए कोकम फल में एंटी ट्यूमर एक्टिविटी पाई जाती है, जो ट्यूमर होने के खतरे को कम कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए कोकम का फल हृदय रोगों से बचाए रखने का काम भी करता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार कोकम फल बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यह सभी गुण हृदय गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही स्ट्रोक और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करने में लाभदायक असर दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण, हृदय स्वास्थ्य के लिए सुरक्षात्मक गुण भी पाया जाता है। पेट की गैस के लिए, पेट की गैस से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कोकम के फायदे ऐसे लोगों की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। कोकम का सेवन पाचन संबंधी कई समस्याओं जैसे पेट फूलना, कब्ज व अपच आदि के साथ साथ पेट में गैस की समस्या को भी ठीक करता है। इसके अलावा कोकम में ठंडक प्रदान करने वाला गुण होता है, इसलिए गर्मियों में कोकम शरबत का सेवन फायदेमंद होता है। एसिडिटी को कम कर सकता है और साथ ही बॉडी को हाइड्रेट रख सकता है। लीवर के लिए कोकम में विभिन्न बायोएक्टिव यौगिक जैसे गार्सिनो होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों की तरह काम कर सकते हैं। ये गुण लीवर को स्वस्थ रखने में, कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। अतः इस फल के प्रयोग से लीवर संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अर्श और बवासीर में इसमें एंटीपाइल्स गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए इस फल के छिलके पत्तियों का भी इस्तेमाल जूस के रूप में हम कर सकते हैं। जलने की स्थिति में फल से बीज हटाकर गूदे को दही में मिलाकर लेप करने से बहुत लाभ मिलता है। वजन कम करने में, वजन को कम करने के लिए दरअसल कोकम में मौजूद गार्सिनोल और हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड जैसे कंपाउंड वजन को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिमाग के लिए कोकम में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण भी पाए जाते हैं, मस्तिष्क स्वास्थ्य एवं सुरक्षित रहता है। इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इससे इसके खाने से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। त्वचा की जलने के जल जाने से
ज्वलनशील त्वचा के उपचार के लिए भी इसके फायदे देखे जा सकते हैं। कोकम बटर का उपयोग फूट क्रीम में करते हैं। कोकम फल को शरबत के रूप में इस्तेमाल करके सूर्य और अन्य कारणों से होने वाली त्वचा की जलन को कम करने और स्किन डैमेज को रोकने में मदद मिल सकती है। कोकम में हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड HCA होता है। इसका लेवल ना सिर्फ वजन घटाने के लिए फैट बर्निंग एजेंट की तरह किया जा सकता है, बल्कि यह कोलेस्ट्रॉल और चिंता की समस्याओं को भी कम करने में मददगार हो सकता है। इसके उपयोग फल को धोने के बाद ऊपरी छिलकों को उठाकर उतारकर इसे अन्य फलों की तरह खाया जा सकता है। कोकम फलों का जूस बनाकर भी हम पी सकते हैं। इसे स्मूदी के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। कोकम को फ्रूट सलाद के रूप में भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। कब खाएं? फल को सुबह नाश्ता के बाद खा सकते हैं। गर्मियों के जूस के रूप में पी सकते हैं। यह ठंडक प्रभाव देने के साथ साथ पेट में गैस की समस्या को भी खत्म कर देता है। खाना के बाद इसका सेवन किया जा सकता है। एसिडिटी के लिए 8 कोकम के पीस अच्छे से धो लें, पानी के गिलास में डाल दें, रात भर डला रहने दें, सुबह मसल कर छान कर पी जाएं। एक दिन में एसिडिटी दूर हो जाती है। आप इसका 5 दिन तक सेवन करें, जिंदगी में कभी एसिडिटी नहीं होगी। तो कोकम फल के नुकसान, इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों को त्वचा संबंधी कोई एलर्जी है तो उन्हें इसका सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके सेवन से पहले अच्छे से धोएं जरूर। अगर कोई समस्या नजर आए तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।